मैं 8 साल से लगातार मैं रोज़ा में रहता हूँ। सुबह में उठ कर सहरी भी करता हूँ, इफ्तारी भी करता हूँ। और एक बार दोस्त लोगों के साथ में जो रमज़ान में बोला गया कि एक बार रोज़ा रखने के लिए इच्छा हुआ, इस इच्छे में रोज़ा रखे तो आज तक लगातार चलते ही आ रहा है। कब कैसे शुरुआत हुई थी, क्या वजह था? वजह यह था कि दोस्तों के साथ रह रहे थे तो किसी तरह का मुसीबत में रहते थे, तो लोगों से बात हुई कैसे कि एक बार आप रोज़ा रख के भी देखो, तो आदमी को मन श्रद्धा जगा, इसी श्रद्धा से फिर रखने लगे हम कि अपना सोच इंसान को रखना पड़ेगा। खाली हिंदू और मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर करने से कुछ नहीं होगा, आप अपने जिस धर्म में ढलेंगे वो धर्म में ही आपका है ना। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू का कर्तव्य छोड़ रहे हैं, तो आदमी का सोच बदलना होगा। ये सोच इंसान का है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू ये कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सनातन धर्म में भी विश्वास रखते हैं? बहुत बहुत, सनातन धर्म में भी बहुत विश्वास है मुझे। मैं करता हूँ, हाँ, मैं पूरी नवरात्रा में थे, फिर छठ में भी रहा, रमज़ान चल रहा था, बिना बिना लहसुन प्याज की हर तरह से रमज़ान भी चल रहा था, फिर उसके बाद हम अपना नवरात्रा भी चला रहे थे। मतलब 300 रोज़ा रखते हैं? 300 रोज़ा हम रखते हैं, 300 रोज़ा रखते हैं, और 300 दिन जो है कि सूर्य नारायण को जो है कि हम सुबह आँख खोल के पहले उन्हीं को प्रणाम करना है। शेड्यूल होता है कि सुबह में 3 बजे भोर में उठते हम लोग सहरी करने के लिए, तो फिर सहरी करने के बाद जो भी होता है एक टाइम होता है, हम लोग 4:00 तक सहरी है, उसके बाद जो सहरी किए फिर शाम को हम लोगों का इफ्तार का टाइम है, 6:15 में रोज़ा खोलना होता है। मतलब 16 घंटा बिना पानी बिना खाए बिना पिए रहना है। हम तो जब से दोस्ती प्रेमी किया और रमज़ान आई तो देख रहे हैं ये 1 महीना मुसल्लम रोज़ा रखते हैं, टाइम पर अफ्तारी भी करते हैं, 6:16 होता है, कहीं 15 में होता है, फिर सुबह का जो है तो सहरी भी 3:30 कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना रोज़ा मुकम्मल दुरुस्त रखते हैं। मतलब तो हिंदू और मुस्लिम ये तो होने ही नहीं चाहिए, इसलिए हम भी एक मोहम्मदन हैं। 20 बरस से हम छठ करवाते हैं, खुद अपने पैसा से खड़ा होकर करवाते हैं, इतना तक तो नदी में भी जाते हैं,